एकदम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खाइए से होंगे। और आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दोस्तों हम आप रिव्यू करेंगे बोया MC1 का। आज ये दोस्तों बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं कि ये माइक अच्छा है या नहीं अच्छा। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप कोई भी वीडियोज़ बनाते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको इस चीज़ की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो वॉइस क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल आपसे दूर भी हो तो दोस्तों जब आप इस पर बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप मोबाइल के पास बैठकर वीडियो बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, इतनी अच्छी इसकी वॉइस क्वालिटी आती है। तो इसी का आज हम रिव्यू करेंगे, प्राइस सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इसकी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसकी बॉक्स ओपन करेंगे। मैं पहले भी इसकी बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इसको बॉक्स में आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको इसमें से एक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इस चीज़ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी छोटा सा, ठीक है, ये मिलेगा। इसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी इसमें आपको ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसको ओपन करता हूँ। बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बाहर आएगा। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, इसके साथ जो वायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं इसको पहले यूज़ कर चुका हूँ। और मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, बाकी जो इसकी वायर थी उसको मैंने टेप के साथ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर प्रेस कर दिया है। जितनी मुझे वायर ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, वैसे अगर वायर की बात की जाए तो इसकी जो वायर देख काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी मोटी ये वायर हो गई है। तो ये अगर आप जितना भी दूर आप चाहें तो आप इसको यानी कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी वायर मैंने निकाल ली है। ठीक है, इतनी मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं वीडियो इतने दूर जाके नहीं बनाता। तो बाकी को मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्रेस कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपने को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिलता है। ये आपको बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस बटन की खासियत क्या है? अगर आप मोबाइल पे वीडियोस बनाओगे तो इस बटन के ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कैमरा, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है मोबाइल। तो मोबाइल पे बनाओगे तो इस बटन को आपने नीचे करना, ये छोटा सा आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला बटन मोबाइल पे अगर आपने बनानी है तो इस बटन को आपने नीचे करना है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर आपने बनानी है या कैमरा पर बनानी है तो फिर आपने इस बटन को ऊपर करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर दोस्तों आपने यहाँ पर इसको खोलना है, खोलेंगे इसके अंदर एक छोटा सा जो घड़ी वाला सेल होता है वो आपने डालना पड़ता है। वो आपको मोबाइल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता, वो आपको कैमरे या लैपटॉप के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर सेल लगता है, जो इसके अंदर सेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सेल भी होगा। इसके अंदर आपको एक छोटी सी केबल और भी देखने को मिलेगी, ये वाली बड़ी सी। ठीक है, ये कैमरा के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये जैक आप इसको कह सकते हैं, ये कैमरा के लिए आ सकता है। कैमरा के इसके अंदर लगेगा और उसके बाद इसकी जो पीछे वाली ये है ये इसके अंदर कुछ इस तरह से लग जाती है। ठीक है, ये कैमरा के लिए होती है। मोबाइल के लिए तो आप डायरेक्ट इसको मोबाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ये मैं ये उठा लूँ, गिर चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैं चीज़ यहाँ पे इधर रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया जहाँ पे आप इसको खोलेंगे इसके अंदर आपने सेल डालना पड़ता है। सेल डालने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल तो वैसे कैमरा के साथ अटैच है। तो मैं यहाँ से इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर यानी कि एक सिंपल सा यहाँ पर मैं एक वीडियोस यानी कि बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैमरे को ओपन करता हूँ। ये देखे, मेरा कैमरा यहाँ से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये कैमरा मेरे बाद ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, ये कैमरा, ठीक है, ये ओपन है। मैं आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो सुनाऊँगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल की आवाज़ सुनाऊंगा। ये आप माइक यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो ये सुनिएगा आप। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी दोस्तों, आपने आवाज़ सुन ली। अब मैं यहाँ पे माइक को अटैच करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी यहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने ये जो जैक होती है ये इसके अंदर यहाँ पे मैंने लगा ली है। ठीक है, ये आप देखें। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर अटैच कर दी है। अटैच करने के बाद ये जो माइक है, ठीक है, ये अब माइक मेरे पास होगा तो मैं आप दोबारा से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से माइक उतार लेता हूँ और आपको फिर ये वीडियो आप सुनाता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये आपको सुनाता हूँ। आप दोस्तों आपने सुनिएगा। ठीक है,
स्पीकर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये दोस्तों पहले वाली वीडियो जो अब मैंने भाई के साथ रिकॉर्ड किया है, और ये पीछे वाली वीडियो जो मैंने बगैर बॉय अमर के साथ रिकॉर्ड किया है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको और आप ये वाली जो वीडियो सुनाऊँ ये मैक के साथ है, ये दोबारा चेक कर लें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम कर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बोया मैक काफ़ी अच्छे हैं, आपको क्वालिटी अच्छी हो जाती है यहाँ पर, यानी कि जो आस जो शोर वगैरह होता है वो बिल्कुल ही इसमें नहीं होता। तो आप दराज से भी इसको ख़रीद सकते हैं, तकरीबन 1700-1600 के मिल जाते हैं। तो मैंने इसको ऑफलाइन ख़रीदा है बाहर से, तकरीबन ये मुझे 2000 का मिल चुका है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। यह हो कि आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप यूट्यूबर हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इससे अच्छी वीडियोज़, यानी कि साफ आवाज़ में वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।